हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने स्किल्स के बारे में पढ़ लिया था, और जो बेसिक है सर्वे के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया था, और लिस्ट काउंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। स्किल्स को किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। इतना हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मेजरमेंट्स, कि सर्वे में हम लीनियर मेजरमेंट्स या डिस्टेंस किस प्रकार से मेजर करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। जब क्या है, जब मशीन नहीं आई थी, स्पीडोमीटर नहीं आए थे, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हुई थी, जब हम किस प्रकार से डिस्टेंस को मेजर करते थे, वो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट होती थी। तो उसका जो तो उसके जो मेथड्स हैं, 4 या 5 टाइप्स के मेथड हैं, ठीक है, उनके द्वारा हम डिस्टेंस को मेजर करते थे। बट जो डिस्टेंस आती थी वो क्या आती थी, अप्रोक्सीमेट आती थी, ठीक है। तो सबसे पहले पेसिंग मतलब कदम, ठीक है। कोई भी हम नॉन लेंथ होगी हमारे पास, उसको हम कदम से मेजर कर लेंगे, ठीक है, कि कितने हमने पेस, ठीक है, में कवर करी है वो डिस्टेंस, ठीक है। और हम एक पेस की एवरेज हाइट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉन डिस्टेंस। उसके बाद हम जब भी कदम चलेंगे, मान लो 100 कदम चले, 200 कदम चले, 300 कदम चले, ठीक है, उसको उस एवरेज जो एक कदम की जो अपनी लेंथ है या एक पेस की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो पेसिंग में हम यही करते हैं। पैसोमीटर, सेकंड है पैसोमीटर, थर्ड है पेडोमीटर, फोर्थ है ओडोमीटर, देन है स्पीडोमीटर। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो इवोल्व होती जा रही है। स्पीडोमीटर तक आते आते, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक इवोल्व हो गई है, ठीक है। और आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं पूरे, ठीक है, सिस्टम डिजिटल, स्पीडोमीटर भी आ गए आजकल तो, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं टेक्नोलॉजी का इवोल्वेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, एक वन बाय वन करके देखते हैं हम। सबसे पहले पेसिंग, जो कि मैंने अभी बता दिया क्या करते हैं, पेसिंग मतलब कदम। सपोज करो ये नॉन डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया, ठीक है, ये 100 मीटर मान लिया मैंने, ठीक है, ये नॉन है, इसको मेरे को पता है कि 100 मीटर है। अब इसको मैं, ठीक है, एक कदम, दो कदम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, मैंने 16 पेस में, कितने में, मतलब सपोजिंग दैट आई हैव कवर्ड दिस डिस्टेंस इन 16 पेस, मतलब पेस मतलब होता है कदम, ठीक है, मैंने इसको 16 कदम या 16 पेस में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या थी, नॉन डिस्टेंस थी, तो मेरी जो लेंथ होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो लेंथ ऑफ वन पेस, तो मैं यहाँ से लेंथ ऑफ वन पेस में मेजर कर सकता हूँ। लेंथ ऑफ वन पेस क्या होगी, नॉन डिस्टेंस पता है 100 डिवाइडेड बाई 16 में, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ ऑफ वन पेस, एक कदम की एवरेज कितनी मेरी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ मैं एवरेज, ठीक है। अब मेरा कोई भी कदम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एवरेज लेंथ है, ये एवरेज लेंथ ऑफ वन पेस। अब मैं कहूँगा कि मान लो मैंने कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, वन पेस की लेंथ निकल गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मान लो ये डिस्टेंस है। अब मान लो मैंने इसको 300 कदम में पूरा किया, ठीक है, या 320 कदम में पूरा किया, सपोज करो इसको मैंने कवर किया 320 कदम में, 320 पेस में, तो मैंने कितनी डिस्टेंस मेजर करी, एक कदम की डिस्टेंस ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कर दो, कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 320, ठीक है, तो कितना हो गया 20, ये मेरी 2000, यदि ये मीटर में है तो मीटर में, और 1 किलोमीटर में किलोमीटर, ठीक है, तो मैंने 2000 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो इस प्रकार से पेसिंग जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार से यूज लिया जाता है, कि एक जो कदम है उसकी एवरेज लेंथ हमको पता है, मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है, जितने भी हमने पेस कवर किए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, ये पेसिंग होता है। नेक्स्ट है पैसोमीटर। ए पैसोमीटर इज अ वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट विच इज कैरिड वर्टिकल इन द पॉकेट ऑफ शर्ट। क्या है, जो हमारी शर्ट है उसके पॉकेट में वर्टिकली, ठीक है, पैसोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वॉच के जैसा, ठीक है, उसको यहाँ रख देंगे वर्टिकली, ठीक है, शर्ट में। इट रिकॉर्डेड नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, दस द प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स इज एलिमिनेटेड इन दिस अप्रोक्सीमेटली। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ओनली उसमें क्या था, हमको जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हमको कवर करने पड़ रहे, गिनने पड़ रहे थे, काउंट करने पड़ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या था,
नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप वी हैव टू काउंट, वी हैव टू काउंट, बट इन दिस केस पैसोमीटर काउंटिंग इज ऑटोमेटिक, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है ये काउंटिंग करेगा ऑटोमेटिक काउंटिंग, ठीक है। तो जो काउंटिंग का काम था वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया या टेक्नोलॉजी के बेस पे हो गया, ठीक है। क्योंकि जो शर्ट के या पैंट या अपने जो पैंट ट्राउज़र होता है उसके ये उसके जो पॉकेट है उसमें रखेंगे हम, ठीक है इसको, और हम ये जो ऑटोमेटिक जो स्टेप्स है ये हमारी ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा, और हमको पता ही है वन स्टेप में वन पेस में कितने डिस्टेंस कवर कर रहे थे एवरेज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया एक्स्ट्रा, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट आया जो कि पेस काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ पैसोमीटर। फिर आया पेडोमीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू द पैसोमीटर, ये इसी के जैसा है, इट कैन रिकॉर्ड द डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या था पेस काउंटिंग हो रही है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या काउंटिंग हो रही है, डिस्टेंस काउंटिंग हो रही है। ये जो ये पेडोमीटर है ये क्या करता है, डिस्टेंस काउंट करता है, डिस्टेंस काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पर पेस काउंट किए, पेस के बाद यहाँ पेस की काउंटिंग मशीन से होने लगी, इंस्ट्रूमेंट से होने लगी, यहाँ पर आकर अब पेस काउंट की जगह क्या काउंट होने लगे, डायरेक्ट डिस्टेंस देने लग गए अपन को, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इट रिकॉर्ड द डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस दे रहा है हमको। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा ओडोमीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अटैच टू द व्हील ऑफ अ साइकिल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ अ साइकिल और अदर व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो सकता है, उसके जो जो टायर होता है उसका व्हील होता है, पहिया होता है, उसके हम अटैच कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, ये रिवोल्यूशन मेजर करता है, ठीक, क्या मेजर करता है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है, क्या नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कि एक डिस्टेंस कवर करने में इसने कितने रिवोल्यूशन लिए, कितना इसने, एक चक्कर को कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर को क्या कहते हैं रिवोल्यूशन, जैसे दिस इज, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पर आ गया मैं, दैट इज वन राउंड, वन रिवोल्यूशन, ठीक है। नौ और क्या पता होता है हमको, व्हील का रेडियस पता होता है हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस टायर की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, टू पाई आर, यदि आर हमको पता है, तो हमको एक चक्कर वन रिवोल्यूशन में हमको लेंथ पता है, सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ और डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है, वन रिवोल्यूशन में पता है टू पाई आर। ये क्या दे रहा है, ये क्या काउंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एन इंटू लेंथ ऑफ वन रिवोल्यूशन दैट इज टू पाई आर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, एन इंटू टू पाई आर, एन इज टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। एन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन विच इज गिवन बाय दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज ओडोमीटर। तो ओडोमीटर इज बेसिकली डूइंग व्हाट इज, व्हाट ओडोमीटर इज डूइंग, ओडोमीटर इज काउंटिंग द रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है स्पीडोमीटर, ठीक है, ये और अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई जो कि आजकल हमारे बाइक्स वगैरह में होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर कैलिब्रेटेड टू गिव डिस्टेंस डायरेक्टली इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। यदि ओडोमीटर को ही हम कैलिब्रेट करके, ठीक है, कैलिब्रेटेड ओडोमीटर लेते हैं और फिर यदि वो जो गिव डिस्टेंस देगा दैट इज नोन एज स्पीडोमीटर। दिस इज टू बी यूज फॉर पर्टिकुलर व्हीकल ओनली, ये ओनली किसके लिए होता है, व्हीकल के लिए होता है। जो भी आज हमारी बाइक्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, जो भी आज बाइक कार्स वगैरह सब में क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक डिजिटल फॉर्म में वो शो कर देता है डायरेक्ट डिस्टेंस हमको, ठीक है। तो ये पांच तरीके के मेथड्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड्स भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हम क्या करते थे, डिस्टेंस मेजर करते थे, और आज हम क्या करते हैं, ठीक है, ये आज का टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो पेसिंग था वो प्रीवियसली हम कैसे करते थे, और ये आज लेटेस्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यदि हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इवोल्व होती चले गई। फिर हम देखते हैं और क्या मेथड है, एग्जैक्ट मेथड्स क्या क्या हैं हमारे पास, और मेजरमेंट विथ चेन और टेप्स, और हमारे पास क्या मेथड्स हैं कि जो सर्वे होता है, ठीक है, वो स्मॉल एरियाज़ के लिए होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, चेन्स और टेप्स। जो हम सर्वे करते हैं किसी भी ग्राउंड का, किसी भी प्लेस का, तो वहाँ पर हमारे पास चेन्स और टेप्स होती है, उनकी हेल्प से भी हम स्मॉल एरिया का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इनकी हेल्प से, ठीक है।
तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग चेन और टेप इज टर्म्ड एज चेनिंग. ठीक है, चेनिंग किसको कहते हैं? डिस्टेंस मेजर करने को. ठीक है, अलोंग द चेन और अलोंग द टेप. ठीक है, इफ यू मेजरिंग द डिस्टेंस अलोंग द चेन एंड अलोंग द टेप देन इट इज नोन एज द चेनिंग. ठीक है, इसको चेनिंग बोलते हैं. दिस इज द एक्यूरेट एंड कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड. जनरली सर्वे में हम यही मेथड यूज करते हैं. ठीक है, हम ना तो पेसिंग करते हैं, पैसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर वो यूज़ नहीं करते हैं. हम क्या यूज़ करते हैं सर्वे में? चेन्स और टेप्स. अब चेन्स भी काफ़ी तरीके की होती हैं और टेप्स भी कई प्रकार के होते हैं. तो हम देखते हैं. ठीक है, चेन्स और टेप्स. तो सबसे पहले हम चेन देखते हैं. चेन होती क्या है? चेन क्या होती है? चेन्स क्या होती है? स्ट्रेट लिंक्स होते हैं. ठीक है, किसके? गैल्वनाइज स्टील आयरन के. ठीक है, स्ट्रेट लिंक्स होते हैं गैल्वनाइज माइल्ड स्टील के. ठीक है, उनको क्या करते हैं? एक वायर के फॉर्म में बैंड करके और एक लिंक से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे क्या जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लिंक्स को, ठीक है, कनेक्ट करके हम क्या फ्रेम करते हैं? चेन फ्रेम करते हैं. कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ये लिंक इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, देन अगेन लिंक. ठीक है, तो इनमें रिंग में बैंड करके इसको, ठीक है, वायर्स को और उसके लिंक से कनेक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं. ठीक है, अब तो ये क्या है? लिंक्स है. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लिंक्स है. एक लिंक्स की डिस्टेंस कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर. हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो बहुत सारे लिंक्स को कनेक्ट करके क्या फ्रेम होती है? चेन फ्रेम होती है. तो वही लिख रहा है, द चेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लिंक्स ऑफ गैल्वनाइज माइल्ड स्टील वायर बैंड इन टू रिंग एट द एंड एंड जॉइंड ईच अदर बाई थ्री स्मॉल सर्कुलर और ओवल वायर रिंग्स. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं. और चेन की लेंथ मेजर कैसे करते हैं ये भी जान, क्योंकि यहाँ पर हैंडल होता है चेन में, जो चेन के जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऐसे, फिर अगेन. ठीक है, ऐसे होंगे ये तो हैंडल होते हैं. तो जो चेन की लेंथ ली जाती है आउटर से या आउटर तक ली जाती है. ठीक है, तो चेन की जो लेंथ मेजर की जाती है आउटर एंड ऑफ बोथ हैंडल्स. ठीक है, दो हैंडल होते हैं चेन में, तो मेजर कहाँ से कहाँ की जाती है? आउटर एज ऑफ द बोथ हैंडल्स. ठीक है, इसको बोलते हैं हम चेन लेंथ. ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की बात है. पार्ट्स ऑफ द चेन. अब चेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, टू फैसिलिटेट इजी रीडिंग ऑफ द चेन्स क्या क्या होते हैं उसमें? तो देखने की बात है, ब्रास टैलीज क्या होते हैं? ब्रास टैलीज आर प्रोवाइडेड. ब्रास टैलीज प्रोवाइड की जाती है. और क्या प्रोवाइड किया जाता है? टूथ या टीथ. टीथ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस की इजीली हो जाए. तो वो कैसे करते हैं? आप देखो, टैली ऑफ वन टूथ. ठीक है, कहाँ पर करते हैं ये? टेंथ लिंक पे. टेंथ लिंक पे क्या करते हैं? टैली ऑफ वन टूथ, एक टूथ की टैली. अभी आगे हम देखेंगे डायग्राम में. जैसे 20th लिंक पे हम जैसे ही पहुंचते हैं तो कितने टूथ की? टू टूथ की, विद ए टू टूथ. ठीक है, ठीक है, टू टीथ की क्या हो जाएगी? टैली प्रोवाइड करेंगे. 30 लिंक पे थ्री टीथ की, 40 लिंक पे क्या करेंगे? फोर टीथ की. एंड जब चेन की हाफ लेंथ हो जाएगी तो वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? टैली ऑफ ए सर्कुलर शेप. ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? कि इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है, उसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? ब्रास टैली प्रोवाइड करते हैं. ब्रास टैली भी हम 10th लिंक पे वन टूथ, फिर उसके बाद 20th लिंक पे टू टीथ, 30th लिंक पे थ्री टीथ, 40th लिंक पे फोर टीथ एंड हाफ चेन पे क्या करेंगे हम? सर्कुलर शेप की एक टैली प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि डिस्टेंस मेजर करने में हमको आसानी होती है. तो डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये देखो, ये क्या है? देखो ये 10 लिंक, आफ्टर 10 लिंक क्या है? ये टैली. ठीक है, आफ्टर 10 लिंक टैली, और टैली पे कितना है यहाँ पर? वन टूथ होगा. यहाँ पर क्या होगा? वन टूथ. यहाँ पर ये कौन सा लिंक होगा? 10th लिंक होगा ये. और ये कौन सा होगा? 19th. तो इधर से भी दूसरे एंड से ये वन होगा, इधर एंड से वन होगा, तो वन वो 10 होगा. इधर से 10 लिंक और लास्ट वाले से कौन सा होगा? 90. यदि हम डिस्टेंस इस प्रकार से मेजर कर रहे हैं तो हेयर टू हेयर. ठीक है, तो ये 10th लिंक और 90th, यहाँ पर क्या होगा? टैली होगी किसकी? वन टूथ की. ऐसे ही ये 20th होगा, ये 30th, ये 40th, ये 50th, ये 60th,
ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, ठीक है, ये 100 लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो 10th और 90th लिंक होगा टैली होगी यहाँ पर, 10th और 90th लिंक के बाद वो क्या होगी, 1 टूथ। ठीक है, 20th और 80th के बाद ये होगी 2 टूथ। ठीक है, फिर 3 टूथ, 3 टीथ, 4 टीथ, 1 हो रहा है वैसे 4 टीथ, और ये सर्कुलर शेप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चेन्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एवरी 10 लिंक बाद एक टैली आएगी। ठीक है, और टैली भी आएगी तो कितने टीथ की है, टूथ की आ रही है, वो भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि दैट विल बी हेल्प टू काउंट द, टू मेजर द डिस्टेंस। फिर टाइप्स ऑफ चेन यूज्ड इन सर्वेइंग, सर्वेइंग में कौन कौन सी चेन होती है, मेट्रिक चेन, गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन बोलते हैं उसको, इंजीनियर चेन होती है, रेवेन्यू चेन एंड स्टील बैंड और बैंड चेन होती है। ठीक है, अब देखते हैं होती क्या है। ठीक है, मैट्रिक चेन क्या होती है, जनरली सबसे ज़्यादा यूज होती है मैट्रिक चेन। ठीक है, ये किस किस में, दैट विल बी इन द लेंथ ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, ये चारों लेंथ में अवेलेबल होती है। ठीक है, 5 से लेके 30 में, ठीक है, 5 से लेके 30 में अवेलेबल होती है ये। तो इसको मैंने टेबलेट फॉर्म में बताया आपको, इसकी चारों ट्रेनों को बाइफरगेट करके कि क्या क्या है। देखो, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। सबसे पहले होती है एक लिंक की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है, वन लिंक की डिस्टेंस, वन लिंक की, यदि मैट्रिक चेन की बात कर रहा हूँ ओनली मैं अभी, वन लिंक डिस्टेंस, वन लिंक ये होती है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर, ये होती है वन लिंक की डिस्टेंस होती है। यदि 5 मीटर की बात करूँ, 5 × 0.2, ठीक है, कितनी, 5 × 1 लिंक में कितना होता है टोटल, 5 मीटर की चेन है तो टोटल लिंक पता करने हैं, तो 5 मीटर डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर, तो ये लिंक आ जाएंगे हमारे पास, जितने भी लिंक है दैट विल बी 25 लिंक। ठीक है, यदि मैं टोटल डिस्टेंस में वन लिंक के डिस्टेंस का डिवाइड करूँ तो टोटल लिंक मिल जाएंगे, तो 5 मीटर की चेन में 25 लिंक, और ये टैली होती है हर 1 मीटर पर, और ये होती है ±3 mm। ठीक है, मतलब 5 ± 3 mm की टॉलरेंस अलाउेबल है, चलती है। ठीक है, ये हम अलाउ कर रहे हैं कि 3 mm छोटी या 3 mm बड़ी चेन हो सकती है। ऐसे ही 10 मीटर की में 50 लिंक होंगे, हर 1 मीटर पर टैली होगी इसमें भी, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ऐसे ही 20 mm जो मोस्टली यूज आती है, ये वाली आती है, इसमें 100 लिंक होंगे, ये हर 5 मीटर पर टैली होगी, ±5 mm हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, टॉलरेंस 30 मीटर, 150 लिंक होंगे, एवरी 5 मीटर पे क्या होगी, टैली होगी, और ±8 mm इज ए टॉलरेंस। ठीक है, तो वो हम अलाउ कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की मेट्रिक चेन्स होती हैं, इसमें हमने लिंक्स देख ली, टैली लोकेशन देख ली, और टॉलरेंस देख ली, कितनी अलाउ हम कर रहे हैं टॉलरेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ वन लिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इन केस ऑफ 20 मीटर 30 मीटर चेन, स्मॉल ब्रास रिंग आर प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर लेंथ। सिर्फ 20 मीटर और 30 मीटर की चेन में हम हर 1 मीटर पे क्या प्रोवाइड करते हैं, एवरी मीटर पे ब्रास रिंग। ठीक है, ब्रास रिंग प्रोवाइड की जाती है ओनली 20 मीटर और 30 मीटर पे। कहाँ की जाती है, एवरी 1 मीटर लेंथ वी हैव टू प्रोवाइड 1 ब्रास रिंग इन केस ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चेन है गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। ठीक है, तो ये कितनी, ये होती है 0.66 फीट की वन लिंक, और टोटल चेन लेंथ होती है 66 फीट। ठीक है, तो चेन लेंथ हो गए कितने, 66 फीट। अब इसके बारे में क्या याद रखना हमको, 100 लिंक्स होते हैं, एक बात याद रखनी है क्या, इसकी कितनी उसकी लेंथ होती है, 66 फीट होती है। ठीक है, वन लिंक की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.66 फीट या 7.92 इंचज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। ठीक है, 10 स्क्वायर गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 एकड़, 10 गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 फॉर लॉन्ग, 18 गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 माइल। ये हम याद भी रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने यहाँ पर एक बार शो कर दिया है। ठीक है, इंजीनियर चेन 1 एकड़ का तो हमने देखा ही था, ये 4840 यार्ड होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है याद रखें। इंजीनियर चेन क्या होती है, इंजीनियर चेन बेसिकली 100 फिट की होती है, और कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं इसमें भी, ठीक है, 100 फीट और 100 लिंक की होती है, तो एक लिंक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 फीट हो गई। ठीक है, एक लिंक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 फीट, और हर 10 लिंक के बाद
एवरी आफ्टर वन एवरी टेन लिंक्स देर इज ए ब्रास रिंग और टैग्स, ठीक है, या तो टैग होगा या ब्रास रिंग होगी, किसके बाद, हर 10 लिंक के बाद होगी, ठीक है। क्या क्या याद रखनी है, कितनी लंबी होती है 100 फीट की, कितने लिंक होते हैं 100 लिंक, ठीक है, एक लिंक की डिस्टेंस कितनी है 1 फीट की हो गई, ठीक है। 10 लिंक के बाद क्या होगा, ब्रास रिंग या टैग होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमको याद रखने है, ये हो गई कौन सी, इंजीनियर्स चेन। फिर है रेवेन्यू चेन, जो रेवेन्यू चेन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है कितनी, 33 फीट, ठीक है। लिंक्स कितने होते हैं 16, 16 लिंक होते हैं इसमें, तो एक लिंक की डिस्टेंस पता करनी हो तो 33 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस चेन इज कॉमनली यूज इन कैडेस्ट्रल सर्वे, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज होती है। तो जनरली हमको क्वेश्चंस आएंगे उसमें यही चीज़ याद रखनी है, लिंक कितने होते हैं, कितने डिस्टेंस होती है, क्या लेंथ होती है, कौन सी चेन है, ठीक है, ये हमको मेमोराइज करना है। लास्ट है स्टील बैंड एंड बैंड चेन। दिस टाइप ऑफ चेन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ स्टील, ठीक है, एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होगी स्टील की, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ, उसकी विड्थ कितनी होगी 12 टू 16 mm एंड थिकनेस कितनी होगी 0.3 टू 0.6 mm। एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होगी जिसकी लेंथ होगी 12 से 16 mm और थिकनेस होगी उसकी 0.3 टू 0.6 mm। दिस चेन इज डिवाइडेड बाई ब्रास स्टड, इसमें ब्रास स्टड लगे होते हैं एट एवरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या लगे होते हैं, ब्रास स्टड इसके ऊपर लगे होते हैं, कहाँ पर, एवरी 20 सेंटीमीटर के बाद ब्रास स्टड होंगे। तो एक चेन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ स्टील होती है, 12 से 16 mm क्या होती है विड्थ होती है, थिकनेस होती है 0.3 टू 0.6 mm, और हर 20 सेंटीमीटर के बाद क्या होंगे, ब्रास स्टड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, स्टील बैंड एंड बैंड चेन हो गई। फॉर इजी यूज एंड वर्केबिलिटी बैंड चेन्स आर वाउंड ऑन स्टील क्रोसेस और मेटल रील्स फ्रॉम विच दे कैन बी इजीली अनरोल्ड, ठीक है। वर्केबिलिटी अच्छी रहे इसलिए क्या, स्टील क्रोसेज पे ये वाउंड होती है ताकि जब हम इसको अनरोल करें या रोल करें तब हमको ये आसानी रहती है, ठीक है। टेप्स, अब टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, टेप्स क्या होते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये भी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है टेप, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लोथ और लेनिन टेप, ठीक है, कपड़े का या लेनिन का टेप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस टेप इज यूज फॉर टेकिंग ऑफसेट, इज कंसिस्ट ऑफ वर्निश्ड स्ट्रिप ऑफ वुवन लिनन, किसका बना होता है, ये वुवन लिनन का बना होता है, ठीक है। 12 टू 16 mm वाइड होती है लिनन, कितनी, 12 टू 16 mm, ये टेप है तो इसकी जो ये विड्थ है ये होती है 12 टू 16 mm होती है, ठीक है। एंड इट्स अटैच टू ए स्पाइंडल इन अ लेदर केस इन टू विच इट इज वाउंडेड, इट इज़ जनरली अवेलेबल इन लेंथ, ये 10 मीटर में भी अवेलेबल होती है, 20 में, 30 में, 50 मीटर में भी। एट द एंड ऑफ द टेप इज प्रोवाइडेड अ ब्रास रिंग, जब हमारी जो टेप है वो एंड हो जाती है तो एक ब्रास रिंग प्रोवाइड की जाती है, हुज लेंथ इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट हिंज, जिसकी लेंथ फर्स्ट हिंज में इंक्लूड होती है, ऐसे होती है वो, अभी हम देखेंगे डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो फर्स्ट हिंज होता है, ठीक है, उसमें ये इंक्लूडेड होती है, तो हमारी लेंथ यहाँ तक होती है, ठीक है, स्टार्टिंग जो है, इसका जो एंड होता है वहाँ पर जिसमें हम फिंगर देके उसको रोल और अनरोल करते हैं, ठीक है, या उसको होल्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक रिंग प्रोवाइड की जाती है एंड में, उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्लूड होती है। दीज टेप्स आर लाइट एंड फ्लेक्सिबल, ये टेप बहुत लाइट होते हैं वेट में और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिसएडवांटेज दे आर नॉट पॉपुलर, जो या कुछ एडवांटेज भी हैं इसके, ठीक है, जिससे कि ये पॉपुलरली यूज़ नहीं होती है, कौन कौन से है, ड्यू टू मॉइस्चर दे कैन श्रिंक, बिकॉज कपड़े की होती है तो मॉइस्चर से क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा वो, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेचिंग दे एक्सटेंड, और बिकॉज जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस तो हम उसको स्ट्रेच करते हैं बार बार, तो हम स्ट्रेच करेंगे बार बार में तो क्या हो जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाएगा, परमानेंट एरर उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। दे आर लाइकली टू ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है जिसके होते हुए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ नहीं आती है, क्यों, क्योंकि कुछ डिसएडवांटेज इसमें, ये फोर टाइप्स के में जो मैंने लिखे हैं ये डिसएडवांटेज हमको मिलते हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इन ए पॉपुलर मैनर। ये देखो टेप की मैंने फोटो भी दिखाई है, इस रिंग की बात कर रहा था मैं, ठीक है, तो ये रिंग होती है, इसको बोलते हैं वुवन और लिनन टेप। नेक्स्ट है मेटेलिक टेप, दे आर मेड अप ऑफ वॉर्निश्ड स्ट्रिप
स्ट्रिप ऑफ वाटरप्रूफ लिनन, ये किसकी बनी होती है, वार्निश्ड स्ट्रिप ऑफ वाटरप्रूफ लिनन इनटू वूवन विद स्मॉल वायर्स ऑफ ब्रास, ठीक है, स्मॉल वायर्स ऑफ ब्रास कॉपर एंड ब्रॉन्ज, किसकी बनी होती है ये, लिनन की होती है, किसके साथ, विद स्मॉल वायर्स ऑफ ब्रास कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, एंड 100 mm लेंथ ऑफ टेप्स आर प्रोवाइडेड विद लेदर और सूटेबल स्ट्रॉन्ग। जब ये टेप एंड हो जाता है तो 100 mm क्या प्रोवाइड करते हैं उसमें, 100 mm लेंथ लास्ट में लेदर और सूटेबल स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, ठीक है, जब ये एंड हो जाएगा तो क्या प्रोवाइड करते हैं, 100 mm लेदर और सूटेबल स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, ठीक है, जब इसको हम अनरोल करेंगे खोलेंगे तब आएगा वो लास्ट में, ठीक है, ये 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter में अवेलेबल होता है, ठीक है। रेड एंड ब्लैक कलर मार्किंग आर यूज फॉर इंडिकेटिंग फुल मीटर एंड इट्स फ्रैक्शन, मीटर और सेंटीमीटर शो करता है ये, ठीक है, तो उसके लिए क्या, बीच बीच में रेड और वाइट, रेड वाइट इस तरीके से, रेड एंड ब्लैक सॉरी, ठीक है, रेड को क्या दिखाएगा ये मीटर और ब्लैक को क्या दिखाएगा, फ्रैक्शंस दिखाएगा उसके, उससे छोटी यूनिट्स दिखाएगा, ठीक है, जब इसको अनरोल करेंगे हम जब, ठीक है। एट टिपिकली मेटेलिक टेप्स शोज इन फिगर, दीज टेप्स आर लाइट, ये लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड नॉट ईजीली ब्रोकन, ठीक है, तो जनरली हम देखते भी हैं ये वाला जो जो दिखा रखा है टेप, ये ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, सर्वे वर्क में, ठीक है, क्योंकि ये लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ब्रोक ईजिली ब्रोकन नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ मेटेलिक टेप। फिर हो गया स्टील टेप, स्टील टेप जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं क्या होता है, स्टील टेप कंसिस्ट ऑफ 6 to 10 mm वाइड स्ट्रिप, स्टील की ये देखो ये दिख रही है वाइड 10 mm, ये 6 to 10 mm स्ट्रिप होती है, 6 to 10 mm वाइड स्ट्रिप विद मेटल रिंग, ठीक है, ये रिंग होती है, ठीक है, एट फ्री एंड एंड वाउंड इन अ लेदर और कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल केस, ये जो केस होता है इसके अंदर ये वाउंड होती है, ठीक है, रोल होगी ऐसे, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है 6 to 10 mm होती है, और ये एक रिंग प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये कोरोजन लेस होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टील टेप, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ सूटेबल वाइंडिंग डिवाइस, टेप आर मार्क्ड इंडिकेटिंग 5 mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ठीक है, इसमें हम 5 mm से लेके मीटर्स तक के, ठीक है, ग्रेजुएशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 5 mm से लेके मीटर्स तक के ग्रेजुएशंस प्रोवाइड करते हैं। द एंड 10 cm लेंथ इज मार्क्ड विद मिलीमीटर आल्सो, और जो लास्ट के 10 cm होते हैं उसमें हम मिलीमीटर भी मार्क करते हैं, ठीक है। स्टील टेप्स आर सुपीरियर टू मेटेलिक टेप, ये उससे सुपीरियर होते हैं मेटेलिक टेप्स, क्यों, एज फार एज एक्यूरेसी इज कंसर्न, क्योंकि मोर एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि देखो ये 5 mm जो इसकी लीस्ट काउंट है, ये 5 mm तक हमको रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, जबकि वो हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसलिए ये क्या है, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट और मोर प्रोसाइस है, इसलिए ज़्यादातर ये यूज होता है। नेक्स्ट है इन्वर्ट टेप, इन्वर्ट टेप क्या होता है, ये होता है निकल और स्टील का बना होता है, ठीक है, इसमें 36% निकल होती है और बाकी स्टील मटेरियल या बाकी मटेरियल होता है। इट्स अ कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज लो, इसका जो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो लो होता है, ठीक है, हैंस एरर ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट मेजरमेंट मच, इसलिए जो एरर होता है टेम्परेचर की वजह से वो ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ठीक है। द विड्थ ऑफ द टेप इज 6 mm, 6 mm होगी इसकी विड्थ ऑफ द टेप, इट इज़ अवेलेबल इन लेंथ 30 meter, 50 meter एंड 100 meter, ये तीन, ये 30, 50 एंड 100 meter की लेंथ में अवेलेबल होता है। इट इज़ एक्यूरेट बट एक्सपेंसिव, ये एक्यूरेट तो है लेकिन बहुत महंगा है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, मेटेलिक या स्टील टेप हम यूज करते हैं नॉर्मल सर्वे वर्क में, ठीक है। तो ये हो गए मेरे चार तरह के टेप और 5 तरीके की चेन, जो कि आज हमने